सुप्रीम कोर्ट के हुकुम बाद सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ जो कत्ल केस दाखिल, इस्लामाबाद के रमना थाने से सरकारी फरियाद दाखिल। FIR में टिन जवाबदार नामजद किया। केस में नामजद कल जवाबदार में बकार अहमद, खुरम अहमद, तारिक अहमद वसी शामिल। सुप्रीम कोर्ट अरशद शरीफ कत्ल बाबत रिपोर्ट के गैर तसली बख्श करार दींदे अजी केस दाखिल करण जो हुक्म दिनों हो। अरशद शरीफ के कत्ल वारो वाक्यो इंतहाई दुखाइंदड़ है। सहाफ़िन जो तहफ़ुज़ अहम ए ज़रूरी है। हुकूमत सहाफ़िन की भलाई लाए कदम खड़ी रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो इस्लामाबाद में कोठायल जर्नलिस्ट सेफ्टी फोरम के तकरीब के खिताब। वज़ीर आज़म चयो त अरशद शरीफ के कत्ल के वाक़े से कीनिया के सदर से गालाय हो, जै खातरी भी कराई। हुकूमत तरफा भी अरशद शरीफ के कत्ल की जाँच जो सिलसिलो जारी है। लाहौर हाई कोर्ट साइफर मामले में FIA के इमरान खान की तलबी बारे नोटिस से अमल दरामद का रोके छोड़ो। जस्टिस असद जावेद गहराल इमरान खान की तलबी खिलाफ़ दाखिल दरख्वास्त बुधनी कई। इमरान खान के वकील मौकफ़ अख्तियार किया। FIA के सियासी मकसद ला इस्तेमाल किया पे वे। सदन इस्तदा है तो FIA की बदनीति ऐसी नोटिस के मुअत्तल किया वे। अदालत साइफर मामले से FIA के नोटिस से अमल दरामद का रोके 19 दिसंबर तीन जवाब तलब कर वरतो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से PDM सरबराह मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल ई अहम मामलों से गाल बोल। मुलाकात दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चाहिए है तो मुल्की मईशत की बेहतरी लाइक कम कर रही है। पेश इंदर चैलेंजेस जो इतिहादन से गरजी मुकाबलो कदासी। Once again, I'm very grateful to all of you. जरा बैठ जी जरा नहीं नहीं बात में बैठेंगे प्लीज। मैं आपसे बात करेंगे ना जी, मैं बात करेंगे आपसे। सो अब प्लीज मेरी बात सुनिए जरा। आजाद कश्मीर के लिए आपसे बात करेंगे प्रेसिडेंट साहब, प्राइम साहब बैठे आप बात करेंगे। सो व्हाट आई वांट टू से आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म तनवीर इलियास पारा शहबाज शरीफ के तनबीह करण था PDM के माफिया जरिए तनवीर इलियास जो माल सील कराए पो। अगूणे वज़ीर आज़म इमरान खान जल सां पेंजे ट्वीट में इमरान खान चयो त कश्मीरियन की कुर्बानियों जो जिक्र न करते तनवीर इलियास शहबाज शरीफ के तकरीब में तनबीह कई। सेंटोरस माल सील करण में जाहिर थे तो पाकिस्तान में 8 महीनों का जंग जो कानून हली रो है। इन वाक़े से कश्मीरियन ना भी गलत पैगाम वे तो। गुजरियल एक तकरीब दौरान आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म तनवीर इलियास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीब दौरान बार बार गालहन की कोशिश कई हुई। और आपकी जुरत कैसे हुई, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने खड़े होकर तू तकरार कर रहे हैं? डूब के मर जाना चाहिए इस वजीर आजम आजाद कश्मीर तनवीर इलियास को। इसका एक और प्रॉब्लम है कि फॉरेन डिप्लोमेट्स बैठे थे और ये कश्मीर का मामला था कि मौसूफ ने खड़े होके तो तल्ख कलामी शुरू कर दी वजीर आजम के साथ। डूब के मर जाना चाहिए इस वजीर आजम आजाद कश्मीर तनवीर इलियास को। तनवीर इलियास के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आरो बीहण की जुरत कें थी। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के शर्म विझा बुरी मरण घुर्जे। वज़ीर आज़म के खास मुआविन अता तारण जो सख्त रद्द अमल। अता तारण चयो त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजाज़त दे तनवीर इलियास के इस्लामाबाद में टपण में नींदी। इमरान खान ही वज़ीर आज़म तनवीर इलियास कश्मीर के कॉज के सदाई नुकसान रसायो है। सुप्रीम कोर्ट इमरान खान ए बेन खिलाफ तोहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जारी रखने की इजाजत दे छी। इलेक्शन कमीशन के अख्तियार से तहरीक इंसाफ जब वायरल एतराज रद्द। इलेक्शन कमीशन इमरान खान, फवाद चौधरी ए असद उमर खिलाफ तोहीन इलेक्शन कमीशन जो नोटिस जारी किया हुआ।
चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट की टे रुकनी बेंच इलेक्शन कमीशन जो पीटीआई क्यादत खिलाफ़ दरख्वास्त मोकिले छियूं। हाई कोर्ट के तोहीन इलेक्शन कमीशन खिलाफ़ पीटीआई की दरख्वास्तुन पर जल्द फैसला करने की हिदायत। अदालत रिमार्क्स में कानून मूजिब तोहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जारी रही। शोकास नोटिस जारी थियण का अग पीटीआई क्यादत के एतराज़ से फैसलो किया वे। M6 मोटरवे मेगा स्कैंडल में नौशरफ फिरोज के अगूने डीसी ताशफीन आलम सूदो 22 जणन खिलाफ़ एक वधीक केस दाखिल। एंटी करप्शन तरफा दाखिल करायल FIR में अगूणो डीसी ताशफीन आलम मुख्तियारकार टे थपेदार भी नामजद। जवाबदार तौर नामजद कल मुख्तियारकार में भिरिया जो न्यास हुजण महराबपुर जो शफीक सूमरो शामिल। केस में नामजद जवाबदार मथा 3 अरब रुपये की करप्शन का इल्ज़ाम। एंटी करप्शन पुलिस गिरफ़्तार कल मुख्तियारकार महराबपुर शफीक सूमरो समेत 4 जवाबदार के सक्कर की एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया। अदालत 14 दिन के रिमांड की दरख्वास्त रद्द करते जवाबदार 4 दिन का रिमांड मंजूर कर वरतो। मौजूदा सूबन के हदन में फेरफार भी थी तो उन सूबाई असेंबली की डिफॉल्ट टूटर मेजॉरिटी की जो रेजोल्यूशन घुर्जे इो सूबन के पाकिस्तान के आइन में तहफुज ला पार्लियामेंट के मौजूदा पार्लियामेंट के को अड़ो आइनी अख्तियार को आइन में अड़ी तरमीम करे फेडरेशन के जो बुनियाद से छे या फेडरेशन के स्ट्रक्चर आ उनके तब्दील कर सके कमेटी ठाई हुई है या मुझे ख्याल में वही साल थे जो सूबो आ जैसी असेंबली आ जो जै सूबे के तुम विरायो था या उनकी सरहदू जो तब्दील था कर तो उन सूबे की भी जो टू थर्ड मेजॉरिटी जिस तीन न होंगी असेंबली में तुम उन सूबे जो को भी बॉर्डर जो ऑल्टर ना कर सको। बांग्लादेश वे पस मंजर के भी जहन में रखी तमाम सूबों के यो बिल्कुल गारंटी दी वही हुई हाँ तवो हैसियत है वनमिट खत्म थे या तारीखी हैसियत बरकरार रही मान तो समझा तो ये कमेटी जो ठहन थी इन कमेटी से को सिंध के को नुकसान पुजाने की कें कोशिश कई तो उनमें वो कामयाब थो सवाल ही पैदा को थे। सिंध के कानूनी आइनी माहिर नवा सूबा ठाण लाए खुर्शीद शाह की अगवानी में 7 रुकनी कमेटी के क्याम के साजिश करार दी छो। बैरिस्टर जमीर घुमरू टाइम न्यूज़ से गालहिंदे पाकिस्तान के आइन में सूबा ठाण जो को भी जिक्र ना है। आइन में चयो है तो मुल्क के सूबन की वहदत जो ख्याल रखियो वे। कानूनदान शहाब उस्तो आइन में नवन सूबन की का भी गुंजाइश ना है। नवा सूबा ठाण इंतजामी यूनिट ठाण में फ़र्क है। इंतजामी यूनिट ठाण लाए भी सूबे के आवाम की अक्सरियती राय जो हिमायत होजन जरूरी है। आइन में सिंध के वहदत के तहफ़ मिलल है। नवन सूबन बाबत जुड़ल पार्लियामानी कमेटी में जावेद अब्बासी साबिर हुसैन कायम खानी खालिद मक्सी नुजरत पठान नवीद आमिर डॉक्टर रमेश कुमार वंतवाणी जहा नाला भी शामिल। परवीन रहमान कत्ल केस के मरकजी जवाबदार रहीम सबाती की बरीयत वे फैसले खिलाफ अपील दाखिल। मकतूला परवीन रहमान की भेण अकीला इस्माइल सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में दाखिल करायल दरख्वास्त में मौकफ़ अख्तियार किया है। सिंध हाई कोर्ट के फैसले में तजाद है। अहम शाहिदन के नज़रअंदाज किया केस में नामजद बेन जवाबदार खिलाफ़ भी जल्द अपील दाखिल कराई वी। सिंध सरकार भी परवीन रहमान कत्ल केस में मुलविस जवाबदार के 3 महीन लाए MPO तहत नज़रबंद करण जो फैसलो किया हो। सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद बेंच पुलिस के सिंध यूनिवर्सिटी में शागिर्दन खिलाफ वधीक कार्रवाई का रोके छो। अदालत शागिर्दन शागिर्दान की गडल पिटीशन की बुधनी हलाई गई। DIG हैदराबाद SSP जामसरों के 20 दिसंबर से तलब कर वरतो। शागिर्दन के वकील चयो तो शागिर्द यूनिवर्सिटी में सहूलतू न होने खिलाफ़ एहतजाज कन था तो उन्होंने खिलाफ़ कूड़ा केस दाखिल किया वन था। सिंध यूनिवर्सिटी में एकता दिहाड़े की आजियां लाए रैली कढ़ से 300 शागिर्दन शागिर्दान खिलाफ़ केस दाखिल किया वो हो। जामशोरो पुलिस सिंध यूनिवर्सिटी की गिरफ्तार कल 4 शागिर्दन के हैदराबाद दहशतगर्दी टोड़ अदालत में पेश कर छो। 4 ही शागिर्द 2 दिन के रिमांड से पुलिस हवाले।
पुलिस 5 अंग खबल आकाश लाखो जोहेब सिंधी अरसलान आरेसर अब्दुल कुदूस की गुजरियल ढी गिरफ्तारी जाहिर कई हुई। सिंध हाई कोर्ट स्कीम टेरेटरी में हद दखल के खात्मे लाए 12 दिसंबर का ग्रेड ऑपरेशन करने जो हुक्म दई छो। पंजूर हाउसिंग सोसाइटी में थियल कब्जन बारे केस से बुधनी सोसाइटी अंदर जमीन की माप न कराने के अदालत तरफा सख्त कावड़ इजहार। जस्टिस नदीम अख्तर अमलदार के मुखातिब थन्दे असेंगे बुधा तो ऑपरेशन कदें जमीन कदें खाली थी। डीसी तरफा कुछ ढी मोहलत तलब अदालत तरफा 12 दिन अंदर कार्रवाई मुकम्मल कर 16 जनवरी तक रिपोर्ट पेश कर हुक्म। चंबर वेझो कराची होटल वट एक तेज रफ्तार ट्रक बोन मुतासर के मथा चढ़ी वही। बोन मुतासर औरत बिन धीरन समेत फौत एक बाली जख्मी। जमुना संदस नींगरियों चंपा पार्वती और शांति कोली रोड किनारे झूपड़ी में सुतल हुई तो ट्रक मथन चढ़ी वही। जमुना संदस धीरू चंपा और पार्वती थड़े थे फौत। शांति जख्मी थी पई। फौतन जहा मरीज जख्मी नींगरी अस्पताल मुंतकिल। राम बस्ती जहा रहवासी बोन मुतासर बरसाती पानी नेकाल निथण कर गुजरियल 4 महीन का रोड से तरसल आया।